आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन की टोपी बनाना। इस तरह से हमने इसमें 100 फंदे डाले हुए हैं और दो उल्टे दो सीधे हमने इसमें निकाला है बॉर्डर के लिए। ये देखें, इस तरह से एक को उतार लिया, इसको बिन लिया। ये आप ये समझें कि मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये देखें, दो उल्टे और दो सीधे। ये देखें, इसी तरह से हम पूरी रो निकालेंगे। इसको दो उल्टे तो दो सीधे। ये बॉर्डर बनने पे बहुत सुंदर लगता है। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे को आपको दिखाती हूँ। ये देखो, उल्टी साइड से जो जैसे हमने फंदे बुने हैं उसी तरह से, जो उल्टे बुने हैं तो हम उल्टे बना लेंगे। अब यहाँ पे सीधे हैं दो फंदे तो हम सीधे बना लेंगे। ये भी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखो, बॉर्डर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे की आपको डिजाइन बताऊंगी। ये देखो, अब हमने पीला कलर लगाया है। तो पीले कलर की इस तरह से मैं सारे फंदे इधर से सीधे बनेंगे। सीधी साइड है तो उधर मेरी रॉन्ग साइड है, तो इस तरह से हम सारे फंदे इस तरह से बनाएंगे। ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट की सीधी साइड से। अब हमें उल्टी साइड से भी सीधे ही बुनना है। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से मैं तीन सिलाई निकालूंगी, जो तीन लाइनें मेरी इधर आ जाए। तो तीन सिलाई मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो, तीन बार मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। इस तरह से आप गिनेंगी, ये देखें, एक दो तीन। इधर हमारा ये सीधा है उल्टी साइड। तो ये देखें, तीन सिलाई निकाली हैं, तीनों इधर सीधी हैं और इधर उल्टी हैं। अब देखें डिजाइन स्टार्ट करेंगे इसमें हम। तो देखें, एक उतार लिया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे मैंने उतार लिए, ये बुन लिए। अब दो फंदे में बगैर बुने हुए इस तरह से उतार लूंगी। अब फिर से आठ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और ये देखें, दो फंदे हमने फिर से स्लिप कर लिए। फिर आठ फंदे बनाएंगे, एक और बनेंगे सीधे। इसमें हम कोई फंदे को उल्टा नहीं करेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ के बाद दो फंदे फिर से सिले। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। दो तीन चार, ये देखो, इधर से दो फंदे साइड के हम स्लिप कर लेंगे। आप देखें, बैक साइड से कुछ नहीं करना है। जो स्लिप किए हुए फंदे हैं हम स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे हैं हम बुनेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और ये स्लिप किए हुए फंदे हमने स्लिप कर लिए। ये इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखो, दो सिलाई मैंने इसमें कंप्लीट की और ये तीन सिलाई हमने पहले निकाली थी। अब हमें इसी तरह से अभी बुनना है। एक सिलाई इधर से निकालेंगे तो एक उल्टी साइड से निकालेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखो, डिजाइन बन चुकी है। ये सात सिलाई मैंने निकाली है, तीन ये नीचे और चार हमने ये सीधी सीधी वाली। चार सिलाई ये हो गई, चार तीन सात, सात सिलाई हमने निकाली है। सात सिलाई में डिजाइन ये पूरी हो जाती है। अब देखें, हमने कलर चेंज कर लिया है और इस वाले कलर को हम इस तरह से ऊपर की साइड ले जाएंगे ताकि आगे ये काम आएगा। ये जो चार कलर हैं, चारों कलर से हमें ये चारों कलर से बनाना है। अब हमने ये वाला कलर लगा दिया और तो सारे फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। ये देखें, और सीधे सीधे बुनना है
इस तरह से, ये देखें इसकी तीन सिलाई निकलेंगी। ये हम इस तरह से निकालते हुए फिर मैं उल्टा बनाऊंगी, जिस तरह से ये पीला हमने बनाया था उसी तरह से तीन सिलाई हमें बनानी है। पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो पूरी रो हमने कंप्लीट की। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने अब इधर से हमें उल्टी साइड से जो तीन सिलाई निकालेंगे वो इधर सीधी सीधी हो जाएंगी, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम तीन सिलाई निकाल लेते हैं, फिर आगे की डिजाइन आपको बताते हैं। तीन सिलाई निकाल ली है, इधर हमारा उल्टा देखें सीधा रहा है और इधर उल्टा, ये देखें इस तरह से, एक दो तीन। अब हमें फिर से डिजाइन स्टार्ट करनी है। अब ये देखें एक दो तीन, तीन मिल लिए और हम ये दो फिंदे स्लिप करेंगे। अब हमारी यहाँ पे डिजाइन पड़ेगी। अब फिर से हम आठ फिंदे बिनेंगे, दो स्लिप कर लिए, तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ के बाद हमें फिर से दो स्लिप करना है। अब हमने जिस तरह से हमने नीचे डिजाइन बनाई है उसी तरह से बनाएंगे, अब इसमें कुछ नहीं है। अब हमने डिजाइन चेंज बता दी है आपको, यहाँ पे अब पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, इसके बीच में जो खाली ये जगह है सादा सादा बुना है इसके बीच में पड़ेगी। तो इसी तरह से ये डिजाइन पड़ती जाएगी। तो मैं डिजाइन डाल लेती हूँ, ये चार कलर में बनाऊंगी। अब की बार ये वाइट वाला कलर लग जाएगा, फिर रेड लगाएंगे, फिर पीला लगाएंगे, फिर ये वाला, फिर वाइट, फिर रेड, इसी तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखो मैंने बना ली है डिजाइन को, और ये देखें दो अंगूर मैंने ये सादा सादा बुना है। ये देखें पीले की डिजाइन डालने के बाद ये रेड कलर से हमने सादा सादा बुन लिया है। तो ये बन के तैयार हो गया है। अब आगे का आप देखें कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से हम दो का एक करेंगे, फिर दो का एक, इसी तरह से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। दो का एक करते हुए तो दो का एक मैं कर लेती हूँ, फिर मांगे का आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने फिंदे दो का एक कर लिया है। अब देखें हमने सुई ले ली है, सुई में ये ऊन को फंसा लिया है। इस तरह से मैं इनको सारे फिंदों को हम इसी तरह से सुई पे ले लेंगे, इस तरह से, इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। ये देखो हमने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखें इस तरह से, इस तरह से हम इसको खींच लेंगे और इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें हमने इस तरह से हमने कर लिया। अब देखें एक बार और इसी में से, इन्हीं फिंदों में से इस तरह से हम निकाल लेंगे सुई को। और इसको खींचते जाएंगे। अब यहाँ पे हल्का सा छेद है, ये इसको इस तरह से बंद करते हैं। देखिए हमने बंद कर दिया। अब देखें यहाँ से लेके हमें यहाँ तक इसको सिलना है। ये देखें इस तरह से, ये जो कलर है उन्हीं कलर में हम मिलाते जाएंगे और इनको सिलते जाएंगे इस तरह से। ये देखें पहले रेड वाला सिल लेंगे, इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ। हमने इसको सिल लिया है।
अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें इस तरह से इसकी डिजाइन आएगी। ये देखें, अब इस पर मैं एक फूल लगा दूंगी। ये देखें, ये बनके पूरी कैप तैयार हो गई है। यहाँ पे हमें एक फूल लगाना है, तो मैं फूल लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।